अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन। तो आज अगर हम डिस्कस कर रहे थे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स के अंदर स्टैक यूजिंग अरेज, आज हमने बात करनी है डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग अरेज। लास्ट वीडियो में हमने थोड़ी सी बेसिक्स को देखा था कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। आज हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि हम अरे के साथ उसका प्रोग्राम किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं जी। तो स्टार्टिंग है जी हमारा कि इसमें हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं अगेन, जो हमने पिछली वीडियो के अंदर भी थोड़ा सा देखा कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टैक यूजिंग अरे सॉरी क्या होता है। सो स्टैक कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग अरे एंड द लेंथ ऑफ अरे रिप्रेजेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डेटा एलिमेंट दैट कैन बी पुश्ड इनटू द स्टैक। स्टैक बेसिकली क्या है, एक अरे ही होती है लेकिन उसके अंदर पैटर्न होता है। नॉर्मल अरे के अंदर तो आप कहीं से भी कोई भी एलिमेंट वैल्यू पकड़ते हैं, चेंज कर देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा सीन नहीं है। आप सीक्वेंस में एंटर करते हैं, सबसे पहली वैल्यू जीरो इंडेक्स पे आएगी, फिर वन पे, फिर टू पे, फिर आखिरी वैल्यू अगर थ्री पे है ना, जब आप डिलीट करेंगे तो आप जीरो वन और टू इंडेक्स डायरेक्ट डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे ऊपर वैल्यू जो पड़ी है वो थर्ड इंडेक्स है। तो पहले आपको थर्ड इंडेक्स रिमूव करना होगा, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट की बारी आएगी। सो और इसके अंदर दूसरा क्या है कि जो अरे का साइज आपने रख दिया स्टैक के अंदर, उससे ज्यादा वैल्यूज एंटर नहीं कर सकते आप। सो यूजर कैन नॉट पुश अनलिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स ऑन इट। सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक विद अरे इज सिंपल, इजियर टू इम्प्लीमेंट बट लेस फ्लेक्सिबल। हम पुश, पॉप, एम्प्टी, फुल, ये सारे फंक्शन इसका अप्लाई कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल है जी हमारे पास, ये एक एम्प्टी स्टैक है। प्रोग्रामिंग टर्म के अंदर हम पुश पॉप अगेन देख लेंगे क्या होता है कि पुश कहते हैं कि आप वैल्यू जब टॉप से अरे के अंदर वैल्यू एंटर करते हैं तो इसको पुश कहते हैं, और टॉप से वैल्यू रिमूव करने को आप पॉप कहते हैं। ठीक है, आप ये वैल्यू एंटर कर रहे हैं, वन अरे के अंदर आया, एम्प्टी अरे है, आपने उसमें वन एंटर किया, तो ये वन क्या है हमारे पास, पुश ऑपरेशन है। फिर आपने टू एंटर किया, चूंकि एंटर हुआ है तो ये भी पुश ऑपरेशन है। आपने थ्री एंटर किया है तो ये भी पुश ऑपरेशन है। सबसे पहले पुश वन हुआ था तो टॉप वन पे था, इस वाले इंडेक्स पे था। फिर टू की वैल्यू एंटर हुई तो टॉप यहाँ पे आया, फिर थ्री एंटर हुई तो टॉप यहाँ पे है। अब जब आप पॉप का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे डिलीट करना है, तो सबसे ऊपर क्या पड़ा है, थ्री, तो आपको थ्री को डिलीट करना पड़ेगा, और इसको आप पॉप ऑपरेशन कहते हैं। सो इन द अबव द थ्री वाज कैप्ट लास्ट एलिमेंट, ये चूंकि लास्ट एलिमेंट है सो इट इज रिमूव्ड फर्स्ट। ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली हाउ द लिफो प्रिंसिपल वर्क्स, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और ये जो स्टैक है हम इसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन और सी शार्प, लेकिन इसके जो है सब के अंदर जो है स्पेसिफिकेशन जो है वो सारी सेम है। और हम जो है अपनी इस वीडियो के अंदर जो है इसको यूजिंग सी प्लस प्लस लैंग्वेज सॉल्व करेंगे। तो इसकी वर्किंग कैसी है ये वाला जो है, तो इनिशियली हम क्या करते हैं, टॉप का पॉइंटर सेट करते हैं और वो ट्रैक रख रहा होता है कि टॉप एलिमेंट किधर है। So when initializing the stack, we set the its value to minus one, यानी जो top है वो minus one होता है, so that we can check the stack is empty by comparing top is equal equal minus one. इसलिए हम उसको minus रखते हैं और फिर हम उसको check कर सकते हैं कि जी आपका वो जो top है अगर तो वो minus one है तो इसका मतलब stack empty है। So on pushing an element, we increase the top and place a new element in this position by the top. कैसे, तो बाय डिफॉल्ट माइनस वन है, जब पहली वैल्यू एंटर करनी है आप टॉप को करेंगे टॉप प्लस प्लस, उससे टॉप की वैल्यू माइनस वन के अंदर एक आप वन ऐड करते हैं तो वो माइनस वन प्लस वन जीरो बन जाता है, और जीरो एक वैलिड इंडेक्स है किसी भी अरे के लिए। तो आप जो न्यू वैल्यू एंटर करेंगे वो आप जीरो इंडेक्स पर एंटर करेंगे। सो ऑन पॉपिंग द एलिमेंट वी रिटर्न द टॉप एलिमेंट बाय रिड्यूसिंग इट्स वैल्यू। ठीक है, यानी अब टॉप जो है पहली वैल्यू एंटर की माइनस वन से प्लस प्लस करके वो जीरो हो जाएगा और पहली वैल्यू जीरो इंडेक्स पे सेव हो जाएगी। फिर अब टॉप के वेरिएबल में हमें तो नहीं पता क्या है, स्कोर टॉप के वेरिएबल में टू था, आपने कहा टॉप के वेरिएबल में जो भी वैल्यू है आप उसको इंक्रीमेंट करो, वो टू से बनेगा थ्री, और न्यू वैल्यू जो आ रही है वो थ्री पे आप सेव करवा देंगे। जब भी आपने पॉप करना होगा, डिलीट करना होगा, आप देखेंगे टॉप की क्या वैल्यू है, जो भी वैल्यू है टॉप की वैल्यू को डिलीट कर दो और टॉप को माइनस माइनस कर दो, इस तरह से वैल्यू डिलीट हो जाएगी। सो बिफोर पुशिंग वी चेक इफ द स्टैक इज ऑलरेडी फुल, यानी जब आप न्यू वैल्यू एंटर कर रहे होंगे तो आपने सबसे पहले चेक करना है कि क्या स्टैक जो है वो फुल तो नहीं है, अगर फुल है तो आप पुश कर ही नहीं सकते।
और पॉपिंग से पहले आप चेक करेंगे क्या वो ऑलरेडी एम्प्टी तो नहीं है, एक खाली स्टैक है, तो उसमें से आप क्या चीज डिलीट करेंगे, डिलीट करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। ये बाय डिफॉल्ट पॉप माइनस वन था, उसी एग्जाम्पल को हमने देखा। जब आप पहली वैल्यू एंटर करेंगे तो ये जो टॉप है माइनस वन से क्या बना जीरो, तो इस जीरो इंडेक्स पर आपकी वैल्यू वन से, फिर नई वैल्यू आई टू, तो उसके लिए पहला काम हम करेंगे इंसर्ट करने से पहले टॉप की वैल्यू को आपने इंक्रीमेंट किया तो टॉप की वैल्यू जीरो से प्लस प्लस होके वन बन गई, और वन इंडेक्स पर आपने ये टू रखवाया जो कि सेकंड वैल्यू है। फिर आपने न्यू वैल्यू एंटर करनी है तो टॉप की प्रीवियस वैल्यू जो भी है उसमें इंक्रीमेंट करके वन से उसको टू बनाए, और इस टू इंडेक्स पर आपने थ्री की वैल्यू रखवाई। अब आपने डिलीट करना है तो पहला काम क्या है, आपने ये जो टॉप है इसको माइनस माइनस करेंगे तो ये जो भी इसकी वैल्यू होगी उससे एक कम हो जाएगा, तो ये वाले इंडेक्स पे जो भी वैल्यू थी वो भी रिमूव हो जाएगी, पीछे पॉप टॉप की वैल्यू वन बचेगी, तो वन इंडेक्स तक टू है तो पीछे इसमें टू बच जाता है। इस तरह से इसका ऑपरेशन होता है। जब आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है तो आपने सबसे पहले, हमने इसमें इस एम्प्टी और इस फुल के फंक्शन की बात की, हम एम्प्टी का फंक्शन चेक करते हैं कि क्या जो हमारा स्टैक है वो एम्प्टी तो नहीं है। फुल का ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं, ये फंक्शन क्या स्टैक हमारा फुल तो नहीं है। चेक कैसे करते हैं, टॉप का वेरिएबल जो है ये पॉइंटर के तौर पर हम इसको रखते हैं और ये बेसिकली ट्रैक कर रहा होता है, इस पे कोई ना कोई नंबर सेव होता है। एम्प्टी के लिए आप चेक करेंगे इफ टॉप इक्वल इक्वल माइनस वन रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स, यानी कि अगर तो सच में वैल्यू एम्प्टी है, वो स्टैक एम्प्टी है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर वो एम्प्टी नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरह से अगर फुल होगा तो आप देखेंगे कि जो अरे का मैक्सिमम साइज है उससे एक कम है अगर स्टैक, यानी अरे का साइज है 10, तो जाहिर है अरे का लास्ट इंडेक्स 9 होगा, नहीं तो आप अरे का एक दफा पीछे जाकर टॉपिक पढ़ लें अगर आपको अरे के अंदर स्टिल प्रॉब्लम है। तो आप क्या करेंगे, टॉप इज इक्वल इक्वल मैक्स माइनस वन, यानी टॉप जो है वो 9 तक पहुंच चुका है अगर 10 वैल्यूज है उस पर, तो आप कहेंगे स्टैक तो ऑलरेडी फुल है और ये रिटर्न ट्रू करेगा, एल्स में ये रिटर्न फॉल्स करेगा। पुश का ऑपरेशन के लिए आपने एक पुश का फंक्शन के अंदर इंट पैरामीटर आप देंगे वैल्यू, और वो वैल्यू जो है वो आपके उस अरे के अंदर जाके एंटर हो जाएगी। तो आप पहले इस फुल का फंक्शन कॉल करेंगे, क्योंकि आपको बताया पीछे कि जब आप पुश का ऑपरेशन परफॉर्म करने लगेंगे पहले चेक करना है क्या स्टैक फुल तो नहीं है। ये यहाँ पर देखें, बिफोर पुशिंग वी चेक इफ द स्टैक इज ऑलरेडी फुल, तो पुश करने से पहले आपने कहा इज फुल। अब ये इफ की स्टेटमेंट अगर आपको याद हो तो आप ब्रैकेट में इधर लिखते थे कंडीशन, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तब ये इफ वाला सेक्शन चलता है, नहीं तो एल्स वाला सेक्शन चलता है। तो इज फुल आपको क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू या फॉल्स। तो अगर तो वो फुल है, यानी उसका जो साइज है मैक्स के वेरिएबल में आपने डिफाइन किया जी मैक्स है 5, यानी 5 नंबर आप एंटर कर सकते हैं इस टैग के अंदर। अगर आप उसमें 5 वैल्यूज एंटर कर सकते हैं, 5 से ज्यादा आप एंटर नहीं कर सकते, तो कैसे पता चलेगा फुल है, जब टॉप की वैल्यू 4 है इसका मतलब टॉप तो माइनस वन से शुरू हुआ था और 4 तक आ गया, 4 से आगे तो वो छठी वैल्यू आ जाती है, 5 वैल्यूज का मतलब है लास्ट इंडेक्स 4 है, क्योंकि अरे के अंदर आपको पता है हम 0 से इंडेक्सिंग शुरू करते हैं, तो पहली वैल्यू का मतलब 0 होता है, 5वीं वैल्यू का मतलब 4 होता है। तो अगर वो मैक्स में से एक कम है तो हम कहेंगे वो फुल है और वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर वो ट्रू रिटर्न करता है तो इसका मतलब ये चलेगी लाइन, कंडीशन इधर ट्रू आएगा ये बताएगा हमें कि स्टैक इज ऑलरेडी फुल, तो वो एंटर ही नहीं करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स आती है, यानी ये जो इज फुल है ये फॉल्स रिटर्न करता है, इसका मतलब टॉप की वैल्यू सपोज 3 है और मैक्स जो है वो 5 माइनस 1 4 है, तो 3 और 4 इक्वल तो ना हुए, एल्स का पार्ट चलेगा, ये हमें फॉल्स देगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है फिर ये एल्स का पार्ट चलेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले टॉप को जो इंडेक्स है उसमें इंक्रीमेंट करेंगे, और हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि पहले कितनी वैल्यू एंटर होगी, बस जगह अवेलेबल है और आप एक वक्त में एक ही वैल्यू एंटर करना चाह रहे हैं, तो फिर आप इसके अंदर इसको पहले इंक्रीमेंट करेंगे। सपोज पहले 3 था तो ये टॉप का वैल्यू 4 बन जाएगी, अब स्टैक की जो अरे थी उसके अंदर 4th इंडेक्स पे वो वैल्यू एंटर होगी जो आप एंटर करना चाह रहे थे, और फिर आप एक मैसेज देंगे कि इंसर्शन सक्सेसफुल। इसी तरह से अगर आपने पॉप करना है तो पॉप के लिए सबसे पहले आपने चेक करना है कि कहीं वो एम्प्टी तो नहीं है, अगर वो एम्प्टी है तो आप उसमें कुछ भी एंटर नहीं कर सकते। सो एम्प्टी के लिए आप क्या चेक करते हैं, इज एम्प्टी। इज एम्प्टी भी क्या था कि अगर टॉप की वैल्यू माइनस वन है तो ये ट्रू रिटर्न करे एल्स फॉल्स। तो जब आप इस एम्प्टी का फंक्शन कॉल करेंगे वो टॉप के वेरिएबल में देखेगा उसकी वैल्यू कितनी है, अगर तो उसकी वैल्यू माइनस वन है वो ट्रू रिटर्न करेगा।
तो अगर यहाँ पे ट्रू आता है तो इसका मतलब है ये वाला पार्ट चलेगा, एल्स वाला पार्ट स्किप हो जाएगा, तो वो सिर्फ मैसेज देगा स्टैक इज एम्प्टी और कोई नंबर जो है उसमें से डिलीट नहीं होगा क्योंकि है ही नहीं। अगर ये ट्रू रिटर्न नहीं करता, ये फॉल्स रिटर्न करता है, तो फिर क्या होगा? फिर एल्स का पार्ट चलेगा। एल्स के पार्ट में क्या है, आप डिलीट के बाद टॉप की जो करंट वैल्यू है वो मेंशन करेंगे कि ये वाला नंबर स्टैक में से डिलीट हो गया, और फिर आप टॉप को माइनस माइनस कर देंगे। इसको हम माइनस माइनस क्यों करते हैं ये मैं आगे आपको कोड के साथ बताता हूँ। फिर आप डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करते हैं क्योंकि आपको कहा जाता है स्टैक में जितने भी नंबर है उनको स्क्रीन पर डिस्प्ले करें। तो डिस्प्ले करने से पहले आपने चेक किया क्या वो एम्प्टी तो नहीं है। अब यहाँ पे मैंने इज एम्प्टी का फंक्शन कॉल नहीं किया, मैंने टॉप इज इक्वल टू माइनस वन चेक कर दिया। आप इधर इज एम्प्टी का भी फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो अगर तो ये इसका आंसर, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है, अब आपका अरिथमेटिक एक्सप्रेशन वाला टॉपिक अगर आपको अच्छे से आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर का, तो उसके अंदर क्लियरली ये आपको पढ़ाया जाता है। जब भी आपने पढ़ा होगा तो यकीनन आपको पता भी होगा, ये जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होता है ना, ये बेसिकली आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। अगर तो टॉप की वैल्यू इक्वल इक्वल है माइनस वन के, तो आंसर आपके पास ट्रू आएगा, नहीं तो आंसर फॉल्स आएगा। तो अगर ये आंसर ट्रू आता है तो फिर ये लाइन चलेगी, फॉल्स आता है तो ये चलेगी। ठीक है, तो आपने उसको आइट्रेट करवाना है। आपने कहा जी आई इज इक्वल इंट आई, और आई इज इक्वल टू, हम नॉर्मली लूप जीरो से स्टार्ट करते हैं, बट यहाँ हम टॉप से स्टार्ट करेंगे और हम उल्टा आ रहे हैं। सो आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और आई माइनस माइनस, और स्टैक का हर इंडेक्स हम प्रिंट करवा देंगे। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। फिर ये मेन फंक्शन है, मैं ये आपको बना के भी दिखाता हूँ। आपने स्टैक के ऊपर चूंकि क्लास बनानी है, उसका आपने सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। उससे पहले ना, ये मैं जो काम करता हूँ, मैं मोस्टली ये बच्चों को काम करवाता हूँ रिपीटिंग मेन्यू के साथ, क्योंकि आप एटीएम मशीन पे जाते हैं, आपको एक मेन्यू नजर आ रहा होता है, वन एंटर करें, टू एंटर करें, थ्री एंटर करें। तो जब भी प्रोग्राम आता है, इसके अच्छा कोडर जो है वो एक मेन्यू के साथ चलता है। आप वन एंटर करेंगे तो वो स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म होगा, आप टू एंटर करेंगे तो वो स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म होगा। तो हमने मैसेज दिया, अगर आप एंटर करना चाहते हैं न्यू वैल्यू तो वन पे वन प्रेस करें, अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो टू एंटर करें, आप चीजों को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं थ्री एंटर करें, और कोई भी और की एंटर कर दें अगर आप अपना जो है वो उसको एग्जिट करना चाहते हैं। फिर आपने मैसेज दिया एंटर योर चॉइस, और आपने चॉइस का वेरिएबल में इनपुट लिया, और चॉइस के अंदर केस वन है, तो आपने इसका मतलब है पुश करना चाहते हैं। पुश के लिए आप उसे कहेंगे वैल्यू बताओ जो आपने इंसर्ट करनी है, और आप पुश का फंक्शन कॉल करेंगे और उसको वो वैल्यू पास कर देंगे। टॉप के लिए आपको वैल्यू बताने की जरूरत नहीं, जो वैल्यू टॉप पे होगी वो खुद ब खुद डिलीट हो जाएगी, और डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करेंगे वो डिस्प्ले दे देगा। इसके अलावा डिफॉल्ट के लिए आप उसको एग्जिट कर देंगे। ठीक है, अब मैं ये जो सारा कोड है ये मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे जाइए, हुसैन साजिद सर्च करें, हुसैन साजिद ऑफिशियल इसका यूजर नेम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेम यूजर नेम के साथ जो है वो मेरा फेसबुक का पेज है, इसको भी लाजमी फॉलो कीजिए। सेम यूजर नेम के साथ मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, इसको भी लाजमी फॉलो कीजिए। सो हम डिस्कस कर रहे थे अपना टॉपिक स्टैक का, तो हम उसको सी प्लस प्लस का कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले आपने ये, मैं थोड़ा सा जूम कर दिया ताकि आपको अच्छे से चीज समझ आए, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और फिर आपने क्लास बनानी है स्टैक, और इसके नीचे आपने int main का फंक्शन बनाना है, और यहाँ पे आपने जो क्लास स्टैक है इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया s के नाम से। ठीक है, और इधर आपने क्या करना है, दो वेरिएबल्स बनाने, एक प्राइवेट सेक्शन होगा फिर एक पब्लिक सेक्शन होगा। प्राइवेट के अंदर आपने एक int बनाना है स्टैक अरे, और इसको आपने एक साइज देना है, और int टॉप का वेरिएबल आप, ठीक है। टॉप आपको बताया ना हम ट्रैक रखने के लिए कि हमें टॉप से पता चलेगा कि उसमें कितनी वैल्यूज हैं और कितनी नहीं है। तो सबसे पहले हमने ये बनाया, अब इसका हमने साइज बताना। साइज के लिए क्या है कि हमें जगह जगह लूप भी लगानी है, तो जितनी वैल्यूज होंगी उतनी दफा ही उसको चलना चाहिए। हम सिंपल सा काम करते हैं, हम यहाँ पर एक ग्लोबल वेरिएबल बना लेती हैं साइज का। उसके लिए ये होता है मैक्रोज, हैश डिफाइन, और मैक्स का वेरिएबल लिया हमने, और इसमें मैंने रखवा दिया 5। तो इसका मतलब है जो मैक्स की वेरिएबल की वैल्यू है वहां तक हर ये अरे भी उतने साइज की डिफाइन हुई है,
और पब्लिक के अंदर जाते हैं तो हम पहले कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, स्टैक के नाम का ये कंस्ट्रक्टर आपको पता लग गया। अगर आपके ऊप के कॉन्सेप्ट थोड़े कमजोर हैं, आप यूट्यूब पे जाएं, यहाँ पे स्क्रॉल करें, यहाँ पे आपको मिलेगा ये सी प्लस प्लस के बेसिक ट्यूटोरियल हैं और इसके नीचे ये है ऊप सी प्लस प्लस। यहाँ पे सीक्वेंस में मैंने हर चीज बताई हुई है, कंस्ट्रक्टर के ऊपर वीडियो है, फंक्शंस किस तरह से बनाने हैं, प्राइवेट और पब्लिक क्या होता है, ये सारा कुछ मैंने इधर डिटेल में समझाया हुआ है, तो आप यहाँ पर इनको सुन सकते हैं, इन वीडियोस को। तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आपने जो टॉप का वेरिएबल बनाया है इसको आप स्टार्ट करवाएंगे -1 के साथ, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस बनाने हैं। एक मैं बनाऊंगा बूलियन टाइप का इज फुल फंक्शन, एक मैं बनाऊंगा बूलियन रिटर्न टाइप का इज एम्प्टी फंक्शन, एक मैं बनाऊंगा वॉइड पुश और इसको आपको वैल्यू देनी होगी, ठीक है। कोई ना कोई आप नंबर देंगे जो इसमें एंटर होगा। वॉइड पॉप ये क्या करता है, ये डिलीट करता है, और फिर आप वॉइड डिस्प्ले जितने भी वैल्यूज हैं उनको आपने डिस्प्ले करवा, ये बना लिया। अब हम चलते हैं, फिर इन फंक्शन का मैं डेफिनेशन भी लिखता हूँ अभी, इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप अब आपने फॉलो करना है। मैं सीक्वेंस में थोड़ा फिर दिखा देता हूँ, अगर आपने के साथ साथ आप टाइप करते जाएंगे ना जैसे आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ये बड़े अच्छे से चीज क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले पहले हम मेन का फंक्शन लिख लेते हैं, फिर हम वन बाय वन इनकी बॉडी को इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। मैंने आपको क्या बताया, हम इस वाले पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आपने एक मेन्यू डिस्प्ले करवाना है और वो रिपीटिंग मेन्यू है। तो मैं एक तो ये मेथड भी है डू वाइल और वाइल वन वाला है, एक है कि ट्रू फॉल्स की बेस पर, एक मैंने बनाया बूल चेक और इसको मैंने रखवा दिया टू बाय डिफॉल्ट और ये बूल है डेटा टाइप। वाइल ये एक लूप चलाएंगे चेक और ये लूप चलता रहेगा इस तरह से, ठीक है। यानी चेक के वेरिएबल में जब तक ट्रू, बेसिकली अब आपने पहले जो चीजें पढ़ी थी उसमें यहाँ पर एक एक्सप्रेशन होता था आई इज लेस देन 10, बेसिकली हर बार वो आपको ट्रू या फॉल्स वो एक कंडीशन होती थी वो रिटर्न करती थी। अभी भी क्या है, चेक के वेरिएबल में ट्रू है या फिर इसमें फॉल्स आएगा तो वो हर बार देखेगा चेक की वैल्यू क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है तो वो लूप पे चलाएगा वरना वो नहीं चलाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपने दिया सी आउट एंटर वन टू इंसर्ट अ वैल्यू इनटू स्टैक और आपने एंडल कर दिया, ठीक है। इसी को मैंने कॉपी किया 2 3 4, ये आ गया जी 2 3 और ये एनी की लास्ट क्या आएगा, एंटर एनी की टू एग्जिट, एंटर 3 2 डिस्प्ले वैल्यूज फ्रॉम स्टैक और एंटर 2 जो है ये होगा टू डिलीट अ वैल्यू फ्रॉम स्टैक, ये मेन्यू होगा, ठीक है। और इसके बाद जो है मैं कहूंगा कि सी आउट एंटर योर चॉइस और ये इधर आ जाएगा ये स्पेस और फिर आप सी इन लेंगे एक चॉइस का वेरिएबल। तो ये 1 2 3 आपने एंटर करना है, ये वेरिएबल हमने डिक्लेयर इन किया तो यहाँ पे आपने जाना है और इन इसका वेरिएबल बना, ठीक है। और बनाने के बाद जो क्या है, आपने ये चॉइस ली और इस चॉइस से पहले थोड़ा सा इनमें गैप आना चाहिए तो मैं इधर एक और एंडल लगा रहा हूँ, ठीक है, ये उसमें गैप डिस्प्ले करवाएगा। फिलहाल मैं इसको इतना ही रन कर रहा हूँ और ये आपको मेन्यू स्क्रीन पे दिखा देगा, ये देखें एंटर वन वैल्यू और एंटर एनी अदर की टू एक्सेप्ट और इधर आपने अपनी चॉइस एंटर करनी जो भी आप एंटर करेंगे, ठीक है। और ये एंड नहीं होगा क्योंकि अभी उसको ये इन्फिनिट लूप अभी फिलहाल चल रहा है और ये आपने एंटर कर दी एंटर एनी अदर की याद देगा, ठीक है। अब आपने एंट्री करवा दी, एंट्री करवाने के बाद अब आपने क्या करवाना है, इधर आएगा स्विच और स्विच के अंदर इधर आपने चॉइस के वेरिएबल में इनपुट लिया ना और यहाँ पे आप केस बनाएंगे, केस 1 होगा
और इसको आप ब्रेक कर देंगे, फिर केस टू होगा और इसको आप ब्रेक कर देंगे, केस थ्री होगा और इसको भी आप ब्रेक कर देंगे। स्विच स्टेटमेंट आप इसी तरह से करते हैं ना, और फिर डिफॉल्ट हम चलाएंगे। और इसके अंदर हम डिफॉल्ट में करेंगे क्या कि जो चेक है वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये रन, अभी भी हमने काम तो कोई नहीं ना किया, इसको चलाते हैं। आप वन एंटर करें, टू एंटर करें, ये देखिए रिपीट हो रहा है, लेकिन मैंने कोई भी और नंबर एंटर किया लूप एंड हो गया, ठीक है। एनी अदर की पे क्या है कि आप वन टू थ्री एंटर करते हैं तो वो ये केस वन टू और थ्री पे जाता है, ठीक है। अगर आप जो है कोई भी और एंटर करते हैं वो इन केसेस में से नहीं होगा तो वो उसको डिफॉल्ट कंसिडर करेगा। और वहां पर आपने किया क्या है, आपने जो चेक का वेरिएबल पहले ट्रू था आपने उसमें फॉल्स रखवा दिया। लूप जब अगली दफा ये चलने लगता है तो उसको चेक की वैल्यू फॉल्स मिलती है और लूप टर्मिनेट हो जाता है। इसको बोलते हैं रिपीटिंग मेन्यू। ये आपसे एग्जाम्स में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर हाउसेज में काम कर रहे होते हैं, आप किसी लेवल के पे कोई ना कोई सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, वहां पर आप इस तरह से एक प्रोफेशनल वे में काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एंट्रीज आएंगी इसके अंदर। अब आपने यहाँ पे फंक्शन कॉल करने हैं, ये थर्ड किसके लिए है, डिस्प्ले के लिए। तो एस डॉट डिस्प्ले का आप फंक्शन कॉल करेंगे और इसमें एस डॉट पॉप का फंक्शन आ जाएगा। यहां पर आपने एस डॉट पुश का फंक्शन देना है, लेकिन इसको ब्रैकेट के अंदर आपको कोई ना कोई वैल्यू प्रोवाइड करनी है। तो पहले आप इधर बनाएंगे एक इंट, सपोज एक मैंने नम वेरिएबल लिया और जब मैं एंटर करवाऊंगा तो पहले वो पूछेगा कि एंटर अ वैल्यू टू बी इंसर्टेड इनटू स्टैक, और इसके बाद आपसे वो सी इन आपने करना है नम के अंदर। और अब आपने एस डॉट पुश का फंक्शन कॉल करना है, इसको ब्रैकेट में, चूंकि आपने पैरामीटर इस फंक्शन का जब बनाया है तो ऊपर दिया है, तो यहाँ पे आप नम देंगे तो ये उसको एंटर करवा देगा। अब हमने इन फंक्शन का बॉडी नहीं लिखी, अब हम जाएंगे और इन फंक्शन की बॉडी लिखेंगे। आपको याद है कि फंक्शन हम क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ये पढ़ कर आए। अगर आपने नहीं पढ़ा, आप अगेन मेरे चैनल पे जाएं, ये ऊट की वीडियोस हैं, यहाँ पर ये है डिफाइनिंग फंक्शन आउटसाइड द क्लास, ये पूरी 25 मिनट की इस पे वीडियो है। अगर आपको समझ नहीं आई अभी तक तो आप इस वीडियो को फॉलो करें और यहाँ पर आपको चीज बड़ी डिटेल में समझ आ जाएगी। तो हम चलते हैं वापस जहां पर हम काम कर रहे थे। तो पहला काम हमने क्या करना है कि हमने इज एम्प्टी का फंक्शन लिखना है और फिर इज फुल का भी फंक्शन लिखना है। फुल के लिए सिंपल सा है, ये मेन के नीचे मैं काम करूंगा। ये सबसे पहले आपने इन सब को कॉपी करें एज इट इज और यहां पे ला के पेस्ट करें, ठीक है। ये बीच में गैप आ गया, ये शुरू में आ गए, ये वेरिएबल के डेटा टाइप के बाद इधर आपने आपकी क्लास का नाम लिखना है और दो बार ये सेमी कॉलन देना है, ठीक है। कॉलन होता है ये, और इसी को ही कॉपी करें, इतना हर एक फंक्शन के स्टार्ट में लिखते हैं। जब भी आउटसाइड द क्लास फंक्शन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, वही जिस तरह से आप फंक्शन बनाते हैं, जिस तरह ये था ना void pop, तो void space क्लास का नेम, दो बार कॉलन और फिर फंक्शन नेम आप लिखेंगे। अब ये फंक्शन कंसीडर होगा उस क्लास का हिस्सा है, तो पहले हम इस फुल का लेते हैं, सेमी कॉलन रिमूव करें, करली ब्रैकेट, और यहां पर इस फुल आपको बताया था किस तरह से चेक होता है। आप इधर लेंगे इफ और टॉप जो है अगर वो इक्वल इक्वल है मैक्स माइनस वन के, तो इसका मतलब उसका साइज पूरा हो गया, तो आप रिटर्न करेंगे ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स, ठीक है, सेमी कॉलन। इसी तरह से इज एम्प्टी या सेमी कॉलन रिमूव करें, यहां पर भी आपने क्या चेक करना है, टॉप इक्वल इक्वल माइनस वन, तो ये है जी रिटर्न करेगा ट्रू, एल्स रिटर्न करेगा ये फॉल्स, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। अब हम चलते हैं पुश के ऊपर। पुश करने के लिए आप सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि क्या वो फुल है, सेमी कॉलन रिमूव हुआ, तो यहां पर आपने लिखा इफ इज फुल का फंक्शन आपने कॉल किया और इधर आप मैसेज देंगे सी आउट
पहले आपने एंडल दे देना है ताकि प्रीवियस से ये चीज डिफरेंट आए, फिर आप लिखें सी आउट सेट इज फुल और फिर एक और एंडल, ठीक है। अगर फुल नहीं है फिर आप उसमें वैल्यू एंटर कर दें, और वैल्यू एंटर करने का क्या तरीका है कि हमें नहीं पता, हमें इतना पता है सेट फुल नहीं है, वैल्यू एंटर कर सकते हैं। तो आपका वेरिएबल जो है वो ट्रैक कर रहा है उसको, हर बार इसकी वैल्यू कम या ज्यादा होती। तो आपने लिखा जी टॉप, जो भी उसकी वैल्यू प्रीवियस है वो प्लस प्लस कर दो, और फिर जो स्टैक अरे है उसके अंदर जो टॉप का वाला वेरिएबल वाला इंडेक्स है वहां पर जो आप पैरामीटर्स वैल्यू दे रहे हैं वो एंटर कर दें, और इधर आप एंडल के साथ, ये एंडल में इसलिए लगाता हूँ ताकि ऊपर और इस लाइन में गैप आए, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। तो आपने कहना है कि जो भी आपने ऊपर से वैल्यू दी एन हैज बीन इंसर्टेड इनटू स्टैक। अभी हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, अब इसको आप रन करें। अब यहाँ पे वो एरर दे रहा है कि वर्ड डिक्लेरेशन इज नॉट, इसके आपने डेफिनेशन नहीं लिखी, अब ये डेफिनेशन बन गई है तो इस पे वो उसको एरर नहीं देना चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन शुड बी ब्रैकेट के साथ होती है, तो वन एंटर किया इसका मतलब इंसर्ट अ वैल्यू, मैंने 12 एंटर किया, 12 हैज बीन इंसर्टेड इनटू स्टैक, और उसके बाद ये जो मेन्यू है वो एंटर, यानी इसके एंड पे मैंने एंडल नहीं लगाया, तो ये देखें इस वजह से वो चीजें मिक्स नजर आ रही है, ठीक है। एक और एंडल लगा दूंगा ताकि वो नेक्स्ट टाइम मेन्यू नजर आए, तो इसको मैं 6 एंटर किया लूप एंड, एक दफा दोबारा चला के देखने 1 एंटर किया और मैंने 11 वैल्यू एंटर कर दी, उसने कहा 11 हैज बीन इंसर्टेड इनटू स्टैक, मैं अगेन वैल्यू एंटर कर रहा हूँ, अब मैं 12 एंटर कर, 12 भी एंटर हो गया, फिर मैं एंटर कर रहा हूँ, अब मैंने 13 एंटर किया, 13 भी एंटर हो गया, ठीक है। फिर मैंने अगेन एंट्री की और अब मैंने 14 एंटर किया, उसने कहा 14 हैज बीन इंसर्टेड, मैं अगेन एंटर कर रहा हूँ, मैंने 15 एंटर किया, 15 भी एंट्री होगी। अब देखना है 5 वैल्यू में एंटर कर चुका हूँ, क्या मेरा इज फुल का फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैंने 12 एंटर की तो उसने कहा कि स्टैक इज फुल, ठीक है, तो अब उसने मेरी वैल्यू को एंटर नहीं होने दिया, ठीक है, अब मेरी वैल्यू एंटर नहीं ले रहे। अब आई होप कि आपको बड़े अच्छे से आप चीज समझ आ गई होगी, सो स्टैक इज वो एंटर ही नहीं कर। तो अब मैं कोई भी नंबर एंटर करके मैंने दो एंटर कर एंड कर दिया, सो एन हैज बीन इंसर्टेड एंड स्टैक इज फुल, ठीक है। तो हमारी जो इज फुल पुश का फंक्शन चाहते हैं। अब टॉप का सिंपल सा तरीका है, आपने सबसे पहले चेक करना है कि क्या वो एम्प्टी तो नहीं है, अगर एम्प्टी है तो जो मैसेज फुल वाला था वही आपने देना है एम्प्टी के लिए। अगर एम्प्टी नहीं है तो आप क्या करें फिर, एल्स वैल्यू को डिलीट करो। तो पहले आपने वो वैल्यू को शो करवाना है कि ये वैल्यू जो है वो डिलीट हुई है, तो आपने सिंपल एक डिलीट के लिए मैसेज देना है कि द डिलीटेड वैल्यू जो है, यानी कि जो भी आप इस वक्त सी आउट स्टैक रे के अंदर टॉप, ये दूसरा आ गया लेस देन स्टैक अरे, स्टैक अरे, और इसके अंदर टॉप के इंडेक्स पर जो भी वैल्यू है हैज बीन डिलीटेड, ठीक है, और इसके एंड पे दो बार मैं एंडर ले आया हूँ ताकि थोड़ा सा गैप नजर आए उसमें, हैज बीन डिलीटेड, और फिर आपने टॉप माइनस माइनस भी करना ताकि अगली दफा टॉप का, वरना आप वो फिफ्थ इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी थी आपने वो रिमूव भी कर दिया, और अगर टॉप के वेरिएबल में इंडेक्स 5 सेव है तो वो नेक्स्ट टाइम सर्च करेगा कि फिफ्थ इंडेक्स पे क्या है, ठीक है, तो इसलिए आपने उसको माइनस माइनस भी करते हैं। तो ये हमारा उसका वेरिएबल। अब हम डिलीट वाला भी काम करते हैं, चेक करते हैं, 1 एंटर किया मैंने, 32 एंटर किया, 1 एंटर किया मैंने, 43 एंटर किया। पहले मैं इसको पूरी वैल्यू को फिल करता हूँ, ये देखें 43, फिर मैं 1 एंटर कर रहा हूँ, ये मेरा 24 एंटर हो गया, फिर मैं 1 एंटर कर रहा हूँ, मेरा 325 एंटर हो गया,
हैज बीन इंसर्टेड, क्या अब एंटर होता है मेरा 534? उसने कहा स्टैक इज फुल, एंटर नहीं किया। अब मैं इसमें से डिलीट करता हूँ, मैंने 2 डिलीट किया तो लास्ट वैल्यू तो 532 है ना, वो डिलीट होनी चाहिए। उसने कहा सॉरी 532 तो एंटर नहीं हुई थी ना, इस ऊपर वाली थी 325। उसने कहा था 325 हैज बीन डिलीटेड। अब एक वैल्यू डिलीट होगी तो इसका मतलब न्यू वैल्यू इसमें इंसर्ट होनी चाहिए, तो मैं इंसर्ट करता हूँ 31। तो उसने कहा 31 हैज बीन इंसर्टेड, इसका मतलब डिलीट का फंक्शन सही काम कर रहा है, क्योंकि पहले स्टैक फुल था, मैंने एक नंबर डिलीट किया तो स्टैक में एक नंबर की जगह बन गई, तब उसने मुझे 31 को इंसर्ट करने दिया है। आप किसी भी नंबर को क्लिक करके आप इस प्रोग्राम को एंड करें, और अब आप डिलीट का डिस्प्ले का फंक्शन लिखेंगे तो इससे आपको वो चीजें स्टैक की हर वैल्यू नजर भी आना शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले आप डिस्प्ले के लिए भी आप सबसे पहले चेक करेंगे इज एम्प्टी, अगर वो एम्प्टी है तो फिर उसको कुछ डिस्प्ले ही नहीं करना चाहिए, तो ये स्टैक एम्प्टी वाला मैसेज ऊपर से ही आप पेस्ट कर लें। एल्स आपने एक स्टैक एलिमेंट के लिए सी आउट किया, स्टैक एलिमेंट्स आर, और इसके बाद एक फॉर का लूप चलेगा, एंड आई इक्वल टॉप, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड आई प्लस, ठीक है सॉरी माइनस माइनस लेके चलेंगे क्योंकि आप टॉप से वापस जीरो की तरफ आ रहे हैं। और यहाँ पे आपने सी आउट करना है उस वैल्यू को जो कि हमारे पास स्टैक ए में है, किस इंडेक्स पर, आई इंडेक्स के साथ, और उसके बाद आप बीच में एक टैब की स्पेस देंगे, और एंड पे आपने यहाँ पे सी आउट करना है लूप के बाहर एंड। अब इसको हम रन कर रहे हैं, अब इसको चला रहे हैं हम, 1 एंटर किया, उसने कहा जी एंटर वैल्यू, मैंने कहा जी मेरा 11 एंटर कर। अब मैं सारे फंक्शंस को टेस्ट करूंगा, मेरे टोटल 3 फंक्शंस है, मैं फिर 1 एंटर किया और मैंने 12 एंटर किया, फिर 1 एंटर किया, 13 एंटर किया, 1 एंटर करके 14, 1 एंटर करके 15, 5 वैल्यूज पूरी हो गई है। अब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ तो उसने कहा स्टैक इज फुल, अब स्टैक फुल है, मैं चेक करना चाहता हूँ मेरी कितनी वैल्यूज है, डिस्प्ले 3 पे आता है ना, 3 पे हमने कहा एंटर 3 फॉर डिस्प्ले, मैंने 3 एंटर किया, ये मेरी 5 वैल्यूज डिस्प्ले हो गई है। अब मैं एक पॉप का फंक्शन मैंने कॉल किया, ठीक है, इसका मतलब है आखिरी वैल्यू को डिलीट हो जाना चाहिए, ये उल्टा चूंकि डिस्प्ले हो रहा है तो इस पहले वाली वैल्यू को डिलीट होना चाहिए, ये टॉप है बेसिकली फ्रंट ये हमारा, तो ये इसको डिलीट हो जाना चाहिए था। अब मैं 3 के साथ अगेन डिस्प्ले करता हूँ तो आप चेक करें 15 के बाद वाली सारी वैल्यू सेव है, फ्रंट वाली वैल्यू टॉप पे जो थी वो डिलीट हो गई है। अब मैं अगेन पॉप को कॉल करता हूँ 2 को, तो अब 14 को भी डिलीट हो जाना चाहिए, मैं अगेन डिस्प्ले का फंक्शन कॉल किया था, अब देखे 14 उसमें से गायब है जो सबसे टॉप पे वैल्यू पड़ी थी, और इस तरह 3 हमने 1 2 3 तीनों को टेस्ट किया। अब हम सारे डिलीट करते जाते हैं, क्या इज एम्प्टी आता है, अब हम चेक करते जाते, 13 भी डिलीट हो गया, 12 भी डिलीट हो गया, 11 भी डिलीट हो गया, उसने कहा स्टैक इज एम्प्टी, जब आखिरी वैल्यू 11 डिलीट हुई तो उसके बाद स्टैक एम्प्टी है। आप डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करें फिर भी उसने कहा क्या डिस्प्ले करूं, स्टैक तो एम्प्टी पड़ा है, ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा काम चल रहा है, तो ये हमारा है लूप। अब ये बीच में थोड़ा सा मैं स्पेसिस देना चाहता हूँ कि एंटर द चॉइस के बाद ये जो एंटर वैल्यू है इसमें गैप होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं एंटर द वैल्यू टू बी इंसर्टेड से पहले एक एंडल लगा देता हूँ ताकि ऊपर से गैप पे डिस्प्ले हो। तो हमने ये एंटर द वैल्यू जो थी ये मेन के अंदर थी, यहाँ पर थी, तो इसके स्टार्ट में एंडल आ गया, और इसके बाद आप कहाँ पे गैप देना चाहते हैं, जब ये एंटर योर चॉइस के बाद स्टैक फुल आता है उसके बाद एंडल नहीं है, तो स्टैक फुल जो है वो यहाँ पर है, मैसेज स्टैक इज फुल, तो यहाँ पे एंडल आ गया, और स्टैक यानी ये 2 बार एंडल दिया, इसी तरह से स्टैक एम्प्टी के भी एंडल पे 2 बार आपने एंडल दिया, ठीक है। इसको सेव करके एक इसको बंद करते हैं हम, और अगेन लास्ट टाइम चलाकर आपको पूरा मैं टेस्ट करवा देता हूँ कि हमारा स्टैक यूजिंग अरे सी प्लस प्लस प्रॉपर्टी काम कर रहा है। मैंने 1 एंटर किया, वो कहता है एंटर अ वैल्यू, मैंने 12 एंटर कर दिया, वो कहता है 12 इंसर्ट हो गया, मैं 3 के साथ डिस्प्ले कर रहा हूँ, स्टैक के अंदर 12 आ चुका है, ठीक है। फिर मैंने एंटर किया अपनी चॉइस नंबर 1, मैं एक और नंबर एंटर कर रहा हूँ 14, अब फिर मैं डिस्प्ले कॉल कर रहा हूँ, ये देखिए 14 12 दोनों एंटर हो चुके हैं।
फिर मैंने वन एंटर किया, मैं एक और वैल्यू एंटर कर रहा हूँ 43, फिर मैं इसको डिस्प्ले करके चेक कर रहा हूँ, देखिए तीन वैल्यूज स्टैक के अंदर आ गई। फिर वन एंटर कर, अब यहाँ पे मैं पॉप करता हूँ, इसका मतलब 43 को डिलीट हो जाना चाहिए, ये देखिए मैसेज आ गया 42 हैज बीन डिलीटेड। अब डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करें तो देखें 43 हमारी लिस्ट से निकल चुका है। ये निकलता कैसे है? निकलता इस लाइन की बेस पर है। बेसिकली हम टॉप का आखिरी इंडेक्स तक लूप के अंदर उसको गो थ्रू ही नहीं करते, तो उस इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी भी हो तो उसे फर्क नहीं पड़ता। इसकी एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह से है, जब कोई बच्चा आप क्लास से निकालते हैं वो कहता है मैं नहीं निकलता, तो टीचर क्या करेगा? वो टेस्ट ले रहा है तो उसका टेस्ट भी नहीं काउंट करेगा, वो अटेंडेंस लगा रहा है तो उसकी अटेंडेंस भी नहीं लेगा। तो अब उसका बैठना ना बैठना एक ही बराबर है, ठीक है? उसको ना मार्क्स मिल रहे हैं, ना उसकी अटेंडेंस लग गई है, ना उसको टेस्ट हो रहा है, वो क्लास का ऐसा काउंट ही नहीं हो रहा, ठीक है? तो ये टॉप माइनस माइनस ये वाला काम कर रहा। तो ये था हमारा स्टैट, और कोई भी आप एक एंट्री एंटर कर दें, फाइव एंटर कर दें किसी से भी, तो आप उसको एग्जिट कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। अब इंशाल्लाह जल्दी ये वीडियो मैं आपके यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।